हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी है। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, बच्चों के शरीर में खून की कमी होना, क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि बड़े लोगों के शरीर में ही खून की कमी नहीं होती है, बहुत बार बच्चों के शरीर में भी खून की कमी को होना देखा गया है। एक सर्वे के अनुसार अगर मैं बात करूं तो इंडिया में 7% बच्चों में खून की कमी देखी जाती है और बहुत बार माता पिता को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं चल पाता है। तो आप अपने बच्चे के शरीर में खून की कमी है या नहीं है उसको कैसे जानें? आज हम इस बारे में दोस्तों बात करेंगे और बात करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको बच्चे को खिलाने से बच्चों के शरीर में होने वाली खून की कमी ठीक की जा सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, बच्चों के शरीर में खून की कमी होने पर माता पिता कैसे जान सकते हैं? देखिए, अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो उसको आप हर चीज़ खिला सकते हैं, और 6 महीने से छोटा है तो अभी आप कुछ मत कीजिएगा, उसे कुछ भी चीज़ें एक्स्ट्रा देने की कोशिश मत कीजिएगा। माँ का दूध ही बच्चे के लिए सफिशियंट होता है। बच्चे के शरीर में खून की कमी होने पर आप खुद भी घर में चेक कीजिए, आप देखिए कि बच्चों की जो आईज हैं उसका जो व्हाइट पार्ट है, क्या आपको हल्का हल्का येलो या कुछ भी ऐसा डल आंखें बच्चे की लग रही हैं, यहाँ पे बच्चे का थोड़ा सा डार्क होने लगता है। दूसरा है, आप चेक कर सकते हैं बच्चे के नेल्स से, नेल्स दबाकर आप चेक कर सकते हैं कि उनमें कहीं ब्लड की कमी तो नहीं है। बच्चे के आप हथेली की स्किन से चेक कर सकते हैं। कभी कभी आप देखना, किसी बच्चे की स्किन आप ऐसे करेंगे, वहां पे आपको पिंक रेड कुछ नहीं दिखेगा, केवल वहां पे एक व्हाइटिश दिखता है। बच्चे के नेल्स अगर व्हाइट है तो आप समझ सकते हैं। बच्चे की लिप्स अगर बहुत ही रूखे और बहुत ही ऐसा लगता है उनमें खून ही नहीं है तो आप समझ सकते हैं। कई बार ये सब चीजें ना होने पर भी बच्चे का अगर आपका खेलता है और खेलते खेलते बहुत जल्दी थक जाता है तो भी आपके बच्चे के शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। हेमोग्लोबिन की कमी क्यों होती है? क्योंकि आपके बच्चे में पोषक तत्वों की, या मैं कहूँ कि लोह तत्व या आयरन की कमी के कारण बच्चों में एनीमिया हो जाता है। बहुत कॉमन है, और ना हो आपके बच्चे में वो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आयरन की कमी के कारण आपके बच्चे के शरीर के में ब्लड में आयरन ऑक्सीजन अच्छे से नहीं घुल पाता है, जिसके कारण आपका बच्चा बहुत ज़्यादा थकने लगता है। तो दोस्तों, ये तो कुछ कारण, ये चेक करने की चीज़ें हैं कि आप अपने बच्चे में कैसे चेक कर सकते हैं कि बच्चे के शरीर में खून की कमी है या नहीं है। कारण दोस्तों सबका एक ही है कि बच्चे के शरीर में पोषक तत्वों की कमी होना, लोह तत्व की कमी होना, आयरन की कमी होने के कारण ही बच्चे के शरीर में पोषक खून की कमी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं उन सुपर फूड्स की जिनको देने से आपके बच्चे के शरीर में होने वाली खून की कमी को ठीक किया जा सकता है। सबसे पहली चीज है दोस्तों, टमाटर का सूप। टमाटो सूप या टमाटर का रस किसी भी फॉर्म में आप बच्चे को दीजिए। अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो एज के अनुसार क्वांटिटी का ध्यान बहुत अधिक रखिए। आप 6 से 7 चम्मच बच्चे को पिलाइए, बच्चे के शरीर में होने वाली खून की कमी सही हो जाएगी। टमाटर खून बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दूसरी चीज है दोस्तों, एप्पल। एप्पल अगर आपका बच्चा खा सकता है, इतना बड़ा है कि एप्पल इजीली खा पाता है, तो आप बच्चे को एप्पल दीजिए। नहीं खा सकता है, छोटा बच्चा है, एप्पल का जूस बनाकर दीजिए, एप्पल की प्यूरी बनाकर दीजिए। खून बढ़ाने में दोस्तों एप्पल बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। तीसरी चीज है अमरूद। क्या आपने कभी सोचा है कि वैसे हम लोग सोचते हैं कि जितने भी रेड कलर के फल होते हैं वो ही शरीर में खून अच्छे से बढ़ाते हैं? दोस्तों, अमरूद भी आपके शरीर में खून बढ़ाने में बहुत ही फायदेमंद होगा। अमरूद जितना पका हुआ होगा पोषक तत्वों से उतना ही ज्यादा भरपूर होगा। अपने बच्चे को अमरूद जरूर दीजिए, अमरूद का जूस दीजिए। जिस भी फॉर्म में जो भी चीज आपका बच्चा खाना चाहता है उसको खिलाइए। अगर आपका बच्चा अमरूद खा पाता है इजीली तो अमरूद बच्चे को जरूर दीजिए। केला, केला आप सभी जानते हैं सुपर डाइट फूड है। कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, जिंक की बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर है केला। बहुत सारी चीजों में काम आता है, बच्चे का पेट भरने के साथ साथ बच्चों को सब तरह के पोषक तत्वों से भरपूर फूड है। तो
तो बच्चा अगर केला खाता है बच्चे को केला जरूर दीजिए, या मैं कहूँ कि बच्चे को केला खाने की आदत जरूर डालिए। आपके बच्चे के शरीर में कभी भी पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों आप दे सकते हैं डेट्स, खजूर। खजूर बच्चे के लिए बहुत ही यूजफुल है। एक तो खजूर में दोस्तों सारे पोषक तत्वों के साथ साथ खजूर में आयरन बहुत अच्छे से पाया जाता है। खून बढ़ाने के लिए खजूर बहुत यूजफुल है। अपने बच्चे को खजूर जरूर दीजिए। अनार, अनार तो आप सभी जानते हैं, अगर बड़े से बड़े लोगों के में भी शरीर में खून की कमी हो जाती है तो हेमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए अनार का जूस पीने की सलाह दी जाती है। तो अपने बच्चे के एज के अनुसार बच्चे को भी अनार का जूस जरूर दीजिए। इसके अलावा आप बच्चे को दे सकते हैं मुनक्का। मुनक्का को आपको किस फॉर्म में देना है? या तो आप रात में मुनक्का भिगोइए, सुबह को मुनक्का का पानी छानकर बच्चे को पीने के लिए दीजिए। इससे बच्चे को बहुत ही फायदा होगा और आपके बच्चे के शरीर में होने वाली आयरन की कमी खत्म हो जाएगी। गाजर, गाजर का जूस दीजिए। सर्दी में दोस्तों बहुत ही अच्छी ताजी और रेड कलर की गाजर आती है। अपने बच्चे को गाजर का जूस जरूर दीजिए। गाजर का जूस भी बच्चों के शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो दोस्तों ये जो सब मैंने आपको चीजें बताई हैं, अगर इनमें से कुछ भी चीजें आप अपने बच्चे को रूटीन में दे पाते हैं तो आपके बच्चे के शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होगी। आपका बच्चा हमेशा ही हेल्दी बना रहेगा। और दोस्तों जिन बच्चों के शरीर में खून की कमी नहीं है, आपका बच्चा अगर पूरा एक्टिव है, अच्छे से खेलता है, आप चेक कर पा रहे हैं कि वो खेलता हुआ बहुत जल्दी नहीं थकता है, तो ऐसे में भी आप अपने बच्चे को ये सब चीजें जरूर दीजिए। बच्चे के एक हेल्दी ग्रोथ के लिए ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मॉमी हेल्प। थैंक यू, नमस्कार।